एक साधु देश भ्रमण के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वो किसी गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तो दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया, झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद अब तो जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वो संतान विहीन था। मरते समय वो अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वो है परमात्मा और उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है किंतु कबूतर उसमें गुटरगूं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गईं, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है, दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है।